दोस्तों फ्रेंचाइजी बताओ पर जो आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये एक बहुत ही धाकड़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, भले आप इस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पर आप बहुत कम पैसे लगाकर भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बिना एग्जाम के ही बच्चे पास कर गए हैं। इस बार 12th क्लास का एग्जाम नहीं हुआ था, तो सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूंगा जो वो इतिहास के इस पल के साक्षी बने हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं अपनी देश की सरकार और सभी राज्यों की सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने कोरोना के समय में इतना साहसी निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों ऐसा 12वीं क्लास के साथ तो हो गया, क्या आपको लगता है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहेंगे, भले वो SSC का हो, अगर आपको IAS बनना हो, आपको डॉक्टर बनना हो, आपको इंजीनियर बनना हो, तो इनके जो एग्जाम्स होते हैं क्या ये ऐसा वहां पर भी हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा वहां पर होगा क्या? क्योंकि जो बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं वही बच्चे तो आगे चलकर डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, वही बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में भी जाएंगे। दोस्तों वहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है और तैयारी करने के लिए आपको मेंटर्स का सहारा लेना होता है, कोचिंग सेंटर्स का सहारा लेना होता है, कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे। और दोस्तों आज के दिन ये गाइडेंस कहाँ उपलब्ध है? आप किसी न किसी एकेडमी में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और कोविड की वजह से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं, एकेडमीज बंद हैं। और इस समय आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब ऑनलाइन ही अपनी एजुकेशन कर रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा सवाल मन में आता है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन से बेहतर है? क्या आप ऑनलाइन में उतनी अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं जितनी अच्छी पढ़ाई आप ऑफलाइन में कर पाते हैं? तो इस सवाल के जवाब के लिए मैंने गूगल पर सर्च किया, मैंने फेसबुक पर सर्च किया, साथ ही साथ मैंने कुछ टीचर से बात भी की जो ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी क्लासेस चला रहे हैं, जो ऑनलाइन सक्सेसफुली अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स मुझे मिले, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो मैंने ये पाई कि वही इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में सक्सेसफुल है जो 2-way कम्युनिकेशन में क्लास चला रहा है, मतलब कि जहां पर बच्चा भी अपने सवाल पूछ सकता है। अगर आपको केवल वीडियो के माध्यम से कोई पढ़ाई की जा रही है, जहां पर आपको वीडियो भेज दिए गए, आप वीडियो देखिए और सीखिए, तो वहां पर बच्चा कभी भी पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई भी देखने वाला नहीं कि बच्चे ने पूरा वीडियो देखा कि नहीं देखा। साथ ही साथ बच्चे के मन में कोई सवाल आया बीच में, जैसे कि सपोज करिए कि आप इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते पढ़ते मन में आपको कोई सवाल आया कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, आप किससे पूछोगे? वीडियो में तो आप पूछ नहीं सकते हो। तो जहां पर 2-way कम्युनिकेशन हो, जहां पर आप एक बटन दबाएं और बोले कि सर मुझे इसका आंसर दीजिए, और सामने से आपको तुरंत आंसर मिल जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट बना रहता है, और ठीक उसी समय टीचर भी देख पाता है कि जो बच्चा है वो पूरे टाइम क्लास में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। बच्चों के ऊपर कंट्रोलिंग भी रहती है, साथ ही साथ बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहता है। इसके अलावा आपके पास बुक्स होनी चाहिए, भले ही हम ऑनलाइन हो रहे हैं लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ भी आपके पास बुक्स होनी चाहिए जिसको कि आप ऑफलाइन में भी पढ़ सको। हर समय टैब खोलकर ई बुक पढ़ना इज नॉट ए गुड चॉइस, आपके पास ऑफलाइन बुक्स होना बहुत जरूरी है। तो क्या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, क्या वो आपको बुक प्रोवाइड करवा रहे हैं? ऑनलाइन का बेनिफिट क्या है? पहला चीज तो मैंने आपको बताया कि इसमें ये होना चाहिए कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हो और साथ में स्टडी मटेरियल हो। साथ ही साथ ऑनलाइन का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, आपको 1-to-1 हेल्प मिल जाती है, जब मर्जी आपको हेल्प चाहिए आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं सही पर्सन नहीं हूं जो आपको गाइड कर सकूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन से बेहतर है या नहीं। तो इसी चीज का जवाब तलाशते हुए मैं पहुंचा एक बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट्स में, जिनके की एजुकेशन स्पेशलिस्ट से आज मैं आपकी बात करवाने वाला हूं, जिनसे मैं पूछूंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन से बेहतर क्यों है, साथ ही साथ किस तरीके से आप अगर इस फील्ड में नहीं भी हैं, अगर आप एजुकेशन फील्ड में नहीं भी हैं, तब भी आप एजुकेशन का बिजनेस करके महीने का लाखों रुपए कैसे कमाएं। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी जिस इंस्टीट्यूट की मैं आपसे आज बात करूंगा, ऑलरेडी इनके बहुत सारे पार्टनर्स सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और महीने का लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो ये पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्या आप
इस इंस्टीट्यूट साथ जुड़कर अपना करियर सेट कर पाओगे? क्या आप अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिलाओगे और क्यों ये बेहतर है? इन सभी सवालों का जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं एजुकेशन स्पेशलिस्ट वंदना मैम जी, जो आपको बताएंगे एजुकेशन बिजनेस आपके लिए बेहतर क्यों है। तो हम फ्रेंचाइज बताओ पर स्वागत करते हैं वंदना जी का, जिनसे हम बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको आप जानते हैं। तो इस वीडियो को फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करिए, क्योंकि यहां पर आपको केवल बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो आज ये जो वीडियो है प्रॉपर एजुकेशन प्लस वीडियो का एक कॉम्बो है, तो इस कॉम्बो को आप जितना शेयर करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अधिक से अधिक शेयर किया जाए। सो हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में वंदना मैम का। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइज बताओ में। थैंक यू आशीष जी। मैम, सबसे पहले जैसे कि आज जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये ऑफलाइन से बेहतर क्यों है, आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही हैं, तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन बेहतर क्यों है? क्या ऑफलाइन बेहतर था या ये ऑनलाइन बेहतर है? ऑनलाइन बेहतर है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने आज रखूंगी। सबसे पहला तो ये कि ऑफलाइन एजुकेशन में जो क्वालिटी कंट्रोल है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या फिर कंपनी के डायरेक्टर या टीचर्स की तरफ से, मॉनिटरिंग में क्वालिटी कंट्रोल उस लेवल पे नहीं हो पाता था जो आज ऑनलाइन में पॉसिबल हो पाया है। क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, क्या क्वालिटी डिलीवर हो रही है बच्चे को, उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। बट ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो ऑनलाइन लाइव सेशन में पेरेंट्स या फिर गार्जियन साथ में क्वालिटी मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरीके की एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड हो रही है। सो यहाँ पे एक क्वालिटी कंट्रोल अवेलेबल है कंपैरेटिवली टू ऑफलाइन स्टडी। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं ऑनलाइन स्टडीज के? ऑनलाइन में दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो बच्चे बहुत ही छोटे से गांव से चाहते थे कि वो एक अच्छा करियर अचीव कर पाए, उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी से एजुकेशन के लिए मूव करना होता था, वो कॉस्ट बियर करना होता था, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहे, एसएससी के लिए, क्लैट के लिए या फिर डिफेंस में जाना चाहे। सो ऑनलाइन ने ये पॉसिबल किया है कि बेस्ट क्वालिटी के फैकल्टीज से शहरों से वो अपने घर तक एजुकेशन ले पा रहे हैं, तो इसीलिए लोग ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और कोविड की वजह से भी ऑनलाइन एक मजबूरी भी बन गई है लोगों की। हाँ। और अब जैसे कि मजबूरी बनी है तो लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन लेना शुरू किया और धीरे धीरे उनको वो हिडन बेनिफिट्स पता चले जो कि आज तक हम यूज कर ही नहीं रहे थे। जैसे कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि बच्चे को आपने अपने आप से दूर भेजा और वहां पर पढ़ने की बजाय और ना जाने क्या क्या चीजें कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उस पर गाइडेंस तो है नहीं है पेरेंट्स की, तो इन सब चीजों की चिंता हट गई है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। एम आई राइट मैम? एग्जैक्टली एब्सोल्युटली यू आर राइट। सो यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल है प्रॉपर, साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन ने यह भी पॉसिबल किया है कि जो बच्चे कभी क्लास मिस कर देते थे, चाहे वो कभी बीमार पड़ गए या फिर कहीं उन्हें जाना हो गया और क्लासेस उनकी मिस हो गई, उन क्लासेस को अरेंज करना एक ऑफलाइन कोचिंग में बहुत बड़ा इशू होता था। क्लास अगेन टॉपिक कब हो रहा है, कब दोबारा क्लास अरेंज होगी, उसमें एक टाइम लगता था। यहाँ पे वो प्रोसेस क्विक है, रिकॉर्डेड वीडियोस का ऑप्शन है। इसके अलावा ये भी पॉसिबल हो पाया है कि कभी कई बच्चे कहीं जाना होगा स्टूडेंट को, अगर अपने इंस्टीट्यूट कम्यूट नहीं कर पाते और कहीं और जाना है घर से, सो वो क्लासेस के लिए सेंटर तक विजिट नहीं कर पाते तो उनकी क्लासेस मिस हो जाते थे। उन मिस्ड क्लासेस को दोबारा अटेंड करना बच्चे के लिए एक टास्क बन जाता था। यहाँ पर वो पॉसिबल है क्योंकि डिवाइस हर बच्चे के पास कहीं पे भी अवेलेबल होता है, इंटरनेट फैसिलिटी आजकल हर बच्चे बच्चे के पास अवेलेबल है, तो वो बच्चा कहीं से भी इस लाइव क्लास का एक्सेस ले सकता है। सो ये सिर्फ ऑनलाइन ये बेनिफिट है और ऑनलाइन में ही पॉसिबल हो पाए हैं। तो ये तो हमने जाना कि ऑनलाइन का बेनिफिट ये है कि कहीं से भी एक्सेस ले लो, कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप दिल्ली रह रहे हैं तो दिल्ली में ही बैठ के आपको क्लास लेनी है। आप भले यूपी चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, आप बिहार चले जाएं, आप कहीं भी जाएं, वहां से बैठकर आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कई बार बच्चे क्लास ले ही नहीं पाते हैं क्योंकि या तो वो बीमार हैं या फिर ऐसी कोई मजबूरी हो जाती है, तो उनके लिए भी क्या अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन बिजनेस? ऑनलाइन ने ये बहुत इजी कर दिया है आशीष जी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन ऑप्शन में जो हमारी क्लासेस हैं, और प्लेटफॉर्म का तो हमें इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, बट तारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है मिस्ड क्लासेस के लिए रिकॉर्डेड वीडियो का ऑप्शन। सो वो इंस्टेंट है, मिस्ड क्लास अगर उनकी किसी भी रीजन की वजह से मिस हुई, बच्चा बीमार हो गया या कहीं अगेन कहीं जाना पड़ा,
तो वो रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो का एक और बेनिफिट है, वो है क्लास रिव्यू। सपोज टॉपिक नहीं समझ में आया या उसे अगेन वो टॉपिक पढ़ना है, उसी फैकल्टी से पढ़ना है, तो वो उस रिकॉर्डेड वीडियो को एज अ रिव्यू क्लास भी यूज कर सकता है। बिल्कुल। साथ ही वो बच्चे जो वीक थे, कई बार ऐसा होता था ऑफलाइन क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो ग्रुप में बैठे हुए हैं बट वो फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत हेजिटेट होते थे, सो वो हेजिटेशन हटाने में ऑनलाइन ने बहुत ज्यादा साथ दिया है स्टूडेंट का। स्टूडेंट चाहे कैमरा ऑन करना चाहे या ऑफ करके भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं टीचर के सामने और टीचर उनका रिप्लाई ऑन द स्पॉट दे रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट। तो मैम यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर बनना चाहे तो किस तरीके से बन सकता है, क्या प्रोसेस है? फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जिस भी पार्ट से आप जुड़ रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट हो या फिर आप स्टेट लेवल पे काम करना चाहे, अपने एरिया का जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको आप इतना कैलिबर रखते हो कि आप अपने एरिया में तारा इंस्टीट्यूट की एजुकेशन क्वालिटी हर उस स्टूडेंट तक पहुंचा पाए जो आपके उस पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। मैम हर कोई ये चाहता है कि मास्टर फ्रेंचाइजी लें, मास्टर फ्रेंचाइजी बनने के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि उसे अलग अलग तरीके से इनकम आती है। तो कोई अगर तारा इंस्टीट्यूट की मास्टर फ्रेंचाइजी लेना चाहेगा तो उसकी कितनी आपकी मास्टर फ्रेंचाइजी फीस है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं? तारा इंस्टीट्यूट की मास्टर फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है उस एरिया का ज्योग्राफिकल नॉलेज होना, जो कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही जो इसमें फ्रेंचाइजी फीस होगी वो 3-6 लाख तक हो सकती है। मास्टर फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो आपके रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास उस एरिया का ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रांग हो, साथ ही आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो। मार्केटिंग में एक्सपर्ट होने के साथ साथ आपका आप मूव कर सकें, क्योंकि आपको अपने अंडर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे और ब्लॉक लेवल के फ्रेंचाइजी होंगे जिनको मॉनिटर और रेगुलेट करना होगा। साथ ही फ्रेंचाइजी फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 3-6 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, जो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एरिया होगा। मैम जो मास्टर फ्रेंचाइजी आपके बनेंगी उनकी इनकम अपॉर्चुनिटी कितनी है और किस तरीके से उनका इनकम आएगी? देखिए मास्टर फ्रेंचाइजी को 45% तो डायरेक्ट उनकी सेल से मिलेगा और साथ ही जो उनके अंडर फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, डायरेक्ट 5% का इनकम वहां से भी उनका अर्न होगा। सो अगर आप ये देखें कि मिनिमम अगर 10-15 स्टूडेंट्स तक भी एडमिशन वो लेते हैं तो उनका मिनिमम इनकम 10-15 लाख तक पर मंथ जा सकता है। इनकम का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, यहाँ पे अगर आप एक कोर्स का भी एडमिशन डेली लेते हैं, सिर्फ एक कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो नंबर ऑफ कोर्सेज 36 है, सो अगर एक कोर्स का एडमिशन आपने डेली बेसिस पे लिया तो 5 लाख तक की आपकी पर मंथ की इनकम मिनिमम है। और साथ ही जो आपके ब्लॉक पार्टनर्स हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट पार्टनर हैं, उनकी जो इनकम का शेयर आपको जा रहा है वो अलग है। बिल्कुल, मतलब कि पहले महीने में जितनी इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपके पास देखिए बेचने के लिए बहुत कुछ है। आप कुछ कोर्सेज के बारे में बताएंगे, कौन कौन से कोर्सेज है? आपने बताया 36 कोर्सेज हैं, तो कुछ कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज है आपके पास? ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, अगर हम इन्हें इनका एग्जाम्पल लेके चले तो SSC, बैंक, रेलवे, जनरल कॉम्पिटिशन के सभी एग्जाम्स, साथ ही लॉ एंट्रेंस के जितने भी एग्जाम्स है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, LLC का एग्जाम है, साथ के साथ डिफेंस एग्जाम्स जिसको बच्चे जो 12th के बच्चे हैं वो दे सकते हैं, NDA, CDS, AFCAT, बहुत से ऐसे एग्जाम है, UPSC के अंडर IAS के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से बहुत सारे शहरों से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो वो कोर्सेज हम प्रोवाइड। नंबर ऑफ कोर्सेज सारे हैं, हर साल करोड़ों बच्चे इन सारे कोर्सेज के लिए कोचिंग सर्च करते हैं और सही फैकल्टी सर्च करते हैं। अच्छी चीज ये है कि उन्हें एक्सपीरियंस फैकल्टी से एजुकेशन मिलेगी, आपके पास पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, हर चीज उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगी। तो आपका कुछ सक्सेस बताएंगे कि आप लोगों का सक्सेस रेशियो क्या रहा है? 90% अबव सक्सेस रेशियो रहा है हमारा। 2007 से जो हम यहाँ तक की जर्नी हमने अचीव की है उसमें हमने ये सभी कोर्सेज करवाए हैं और सभी कोर्सेज में 90% तक रिजल्ट हमने दिया है। सो मैम आज आपने मुझे बहुत सारी जानकारी दी, हमने ये भी बात की कि ऑनलाइन बेटर क्यों है, साथ ही साथ हमने जाना तारा इंस्टीट्यूट किस तरीके से रन कर रहा है और इसके अलावा आप बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, ब्लॉक पार्टनर भी आप बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स भी बना रहे हैं और साथ ही साथ आप मास्टर फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मास्टर फ्रेंचाइजी की इनकम भी आपने बताई जो कि बहुत ही बेहतरीन इनकम है। अगर आप ऑलरेडी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो क्या वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, आप तो जुड़ ही सकते हैं। साथ के साथ जो लोग एजुकेशन बिजनेस से नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो तारा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के एक एजुकेशन बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस को हैम्पर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का पार्ट आपको संभालना है, क्वालिटी एजुकेशन, टीचर्स, स्टडी मटेरियल, वो सभी पार्ट तारा इंस्टीट्यूट का होगा। सो आपने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए, मैं एक बार दोबारा से चाहूंगा कि जो आपके पार्टनर बनना चाहेंगे उनको आपकी तरफ से क्या बेनिफिट्स मिलेगा, एक बार आप दोबारा से बता दे कि तो बीच में अगर किसी ने वीडियो स्किप किया है तो वो दोबारा से सुन ले कि तारा इंस्टीट्यूट के साथ आप क्यों जुड़े। तारा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन होगा इनकम। सबसे बड़ा जो रीजन है किसी भी बिजनेस में इस टाइम जुड़ने का, वो है एक स्टेबल इनकम। सो वो स्टेबल इनकम और एक स्टेबल करियर तारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा आपको। और ये पॉसिबल कैसे होगा, चाहे आप ब्लॉक लेवल से जुड़ना चाहें, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जुड़ना चाहें, या फिर आप स्टेट लेवल पे काम करना चाहें, तो तारा इंस्टीट्यूट आपको तीनों तरीके से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, तो आप ये एक अपॉर्चुनिटी तो आप ये दे रहे हैं, साथ साथ में आप लोग क्या गूगल स्टोर पर भी हैं, गूगल प्ले स्टोर पर आपके एप्स भी हैं? बिल्कुल, एप्स हैं। गूगल प्ले स्टोर पे हमारे सभी कोर्सेज के लिए स्पेसिफिक ऐप होंगे, उन ऐप का एक्सेस स्टूडेंट को डायरेक्ट तारा इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस से मिलेगा। सो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से आप तारा इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आपको स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहे होंगे स्टार्टिंग से, आप इन नंबर पर कॉल कर फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको गूगल फॉर्म भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म पर भी आप अपने डिटेल्स फिल कर दीजिए, डायरेक्टली आपको इनके एक्सपर्ट की कॉल आ जाएगी और आप इनके फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप मास्टर फ्रेंचाइजी तो बन सकते हैं जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट 3-6 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप ब्लॉक लेवल पर भी काम करना चाहते हैं तो 35,000 रुपए की एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इस समय ऑनलाइन एजुकेशन ही सबसे बड़ा सच है, और अगर आप बच्चों को इस समय से अगर इसकी आदत डाल देंगे तो फ्यूचर आपके बच्चे का कैरियर अच्छा होगा, उनका फ्यूचर अच्छा होगा। तो और तारा इंस्टीट्यूट इसमें एक्सपर्ट है, मैंने आपको बीच में इनकी क्लासेस भी दिखाई किस तरीके से ऑनलाइन रन कर रही हैं, इनके इंटरैक्टिव बोर्ड हैं जहां पर कि आपको ब्लैक बोर्ड का जमाना हट गया है, अब ब्लैक बोर्ड की जगह एलईडी बोर्ड्स आ गए हैं जहां पर लाइव इनकी क्लासेस होती हैं। तो आप भी अगर इनकी लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप इनके फ्रेंचाइज पार्टनर बनना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर दोस्तों आप गूगल फॉर्म को फिल करें। और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइज बताओ, ऐसे ही वीडियोज में आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू।